नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट पे और मैं हूँ आशुकेश तिवारी। आज एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई है यानी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में, जिसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा खुश हैं और इस फिल्म को काफी ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। इस फिल्म का नाम है सुपर शरणाया। आपको बता दें कि सुपर शरणाया आज रिलीज हुई है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में और ये थिएटर्स में लगी है। और जब इसका ट्रेलर आया था उस ट्रेलर को भी काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया था और उसे भी सराहा गया था। आपको बता दें कि ये फिल्म वन ऑफ द बेस्ट मलयालम फिल्म्स की कैटेगरी में ऐसा बताया जा रहा है कि इसे रखा जा सकता है, क्योंकि इसमें हॉस्टल को दिखाया गया है कि कैसे जो टीनेज लोग होते हैं, टीनेज लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो हॉस्टल्स में रहती हैं। इस फिल्म में सबसे खास बात यह है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जब भी टीनेज स्टोरी की बात होती है, जब भी स्कूल कॉलेजेस की बात होती है, तब भी ये जो मेन फोकस होता है हॉस्टल वगैरह से रिलेटेड, वो मेंस हॉस्टल से रिलेटेड फोकस होता है। लेकिन इस फिल्म में गर्ल्स के हॉस्टल्स को दिखाया गया कि कैसे एक चार टीनेज लड़कियों का ग्रुप है और वो कैसे जो है इस फिल्म में सर्वाइव करती है और कैसे एक टीनेज लव स्टोरी को दिखाया गया। आपको बता दें कि बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट किया गया इसमें मलयालम टीनेज को और खासकर में लड़कियों के हॉस्टल को। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो गिरीश एडी है उनकी दूसरी ये फिल्म है और इस फिल्म को काफी ज्यादा सराहा जा रहा है। आपको बता दें कि इस फिल्म के गाने से लेके जो डायलॉग्स हैं और उसके बाद से जो सिनेमाटोग्राफी है वो भी जबरदस्त दिखाई गई है। एक एक चीजों की बारीकी का ध्यान रखा गया है। और जब ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई, जब इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज किया गया तो काफी संख्या में जो टीनेज लोग होते हैं वो देखने गए। और सबसे अहमियत, सबसे जरूरी बात ये रही कि जो लड़कियां होती हैं, जो टीनेज लड़कियां होती हैं, जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, जो हॉस्टल्स में रह रही हैं, उनका हुजूम देखने को मिला हमें पूरे के पूरे थिएटर में। आपको बता दें इस फिल्म में अंसवारा राजन ने मुख्य भूमिका निभाई, यानी शरणाया की भूमिका निभाई है। और उनका जो लव स्टोरी है वो दिखाया गया है, वो एक छोटे से शहर से आती है, एक छोटे से गाँव से आती है शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। वो हॉस्टल में रहती है और उनके साथ उनकी कुछ दोस्त होती हैं। तो कैसे अपनी की पूरी जो उनकी हॉस्टल की कहानी होती है उनको बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रेट किया गया। हम पूरी की पूरी कहानी को रिवील नहीं करना चाहते, हमने बस आपको एक मेन लाइन स्पॉटलाइट बता दी है। आपको आप अगर आपने अभी तक अगर ये फिल्म नहीं देखी तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त फिल्म है, आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कोई भी अपडेट जाननी है, छोटी से छोटी अपडेट जाननी है, तो इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट के साथ बने रहें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट।